आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। बहेड़ी में एसडीएम बहेड़ी का किया घेराव, नगर पालिका मार्केट में अग्निकांड में पीड़ित व्यापारियों के लिए उचित मुआवजे की मांग। वहीं नगर पालिका प्रशासन भी जमकर कोसा। शहर में 3 किलोमीटर दूर स्थिति फायर ब्रिगेड की अस्थायी रूप से कोतवाली परिसर में कराने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि बीते मंगलवार की रात में नगर पालिका मार्केट में 2 फुटवेयर के शोरूम व एक किराने की दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिसमें ताहिर राजू अरोड़ा मुन्ने किराने वालों के सब सामान जलकर खाक हो गया, जिससे इन लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन शहर में हाइड्रो पॉइंट बना होता तो फायर ब्रिगेड वालों को शहर से बाहर चीनी मिल में पानी के लिए जाना नहीं पड़ता और इन व्यापारियों का इतना नुकसान नहीं होता, जिसके लिए नगर पालिका बहेड़ी को जिम्मेदार ठहराया। आज बहेड़ी व्यापार मंडल ने एसडीएम बहेड़ी के तहसील परिसर में घेराव किया। व्यापारियों ने अपनी मांगों से एसडीएम के सामने रखी कि फायर ब्रिगेड शहर से 3 किलोमीटर दूर है, जिसे कोतवाली बहेड़ी में स्थायी तौर रखा जाए। अग्निकांड से पीड़ित व्यापारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता कराने की व शहर में हाइड्रो पॉइंट बनाने जाए, ताकि फायर ब्रिगेड वालों को पानी को दूर ना जाना पड़े। एसडीएम बहेड़ी ममता मालवीय ने ज्ञापन लेकर व्यापारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। करोड़ों रुपए का अखबारों ने भी छापा है, करोड़ों रुपए का नुकसान है। हम इस समय उप जिलाधिकारी महोदया बहेड़ी को ये ज्ञापन के माध्यम से ये बताने आए थे कि जो इनका नुकसान हुआ है, तत्काल प्रभाव से जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मुआवजा तुरंत दिलवाया जाए, और उसके बाद बड़े मुआवजे के लिए जिससे कुछ इनकी भरपाई हो सके, जो रोजी रोटी का संकट इनके परिवारों के सामने खड़ा हो गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। और नगर पालिका द्वारा हाइड्रो पॉइंट जो, और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए का अखबारों ने भी छापा है, करोड़ों रुपए का नुकसान है। हम इस समय उप जिलाधिकारी महोदया बहेड़ी को ये ज्ञापन के माध्यम से ये बताने आए थे कि जो इनका नुकसान हुआ है, तत्काल प्रभाव से जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मुआवजा तुरंत दिलवाया जाए, और उसके बाद बड़े मुआवजे के लिए जिससे कुछ इनकी भरपाई हो सके, जो रोजी रोटी का संकट इनके परिवारों के सामने खड़ा हो गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। और नगर पालिका द्वारा हाइड्रो पॉइंट जो पानी की व्यवस्था होती है, जो पानी न होने की वजह से ये दुकानें जल के राख हो गई, हम चाहते हैं कि नगर पालिका द्वारा यथाशीघ्र शहर में कम से कम 2 दर्जन हाइड्रो पॉइंट बनाए जाएँ, और जेसीबी से जो दुकानें इनकी ध्वस्त की गई हैं उसकी जिम्मेदारी प्रशासन या नगर पालिका को उठानी चाहिए। ये बर्बाद व्यापारी हैं, वो दुकानें बनवा के